नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मैक्रो रेशियो क्या होता है। मैक्रोज का मतलब होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बात की है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों को मिला के मैक्रोज बोल देते हैं। इनका जो रेशियो होता है हमारी डाइट में, उसे हम मैक्रो रेशियो कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी 1600 कैलोरी खा रहा है, 1600 किलो कैलोरी खा रहा है, और इसमें से 400 कैलोरी वो प्रोटीन से ले रहा है, 800 कैलोरी वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है और 400 कैलोरी वो फैट से ले रहा है। तो प्रोटीन की कैलोरीज जो कि 400 है, वो टोटल कैलोरीज में कितने परसेंट है? तो 400 कैलोरी प्रोटीन की और टोटल 1600 कैलोरी है, कुल 1600 कैलोरी है, तो उसकी परसेंटेज प्रोटीन की कैलोरीज जो प्रोटीन से आ रही है उनकी कैलोरीज की परसेंटेज 25% होती है। कार्बोहाइड्रेट से 800 कैलोरी ले रहा है, कुल मिला के 1600 कैलोरी खा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट से आने वाली कैलोरीज की परसेंटेज 50% होती है और वैसी फैट की भी 25% होती है। तो मैक्रो रेशियो हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का 25-50-25। इसको PCF लिख देते हैं, कोई कॉमा लगा करके लिख सकता है, कोई ऐसे रेशियो के तरीके से लिख सकता है। तो कोई अगर पूछता है कि इस डाइट में जिसमें इतनी कैलोरीज प्रोटीन से आ रही है, इतनी कार्बोहाइड्रेट से, इतनी फैट से, उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का रेशियो, मैक्रो रेशियो क्या है, तो वो है 25-50-25 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट PCF। कोई इसको चाहे तो PCF को PFC भी लिख सकता है, मतलब प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, या कोई भी तरीके से जैसे चाहे लिख सकता है। बस ये ध्यान रखना कि PFC लिखो, मान लो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, तो 25-25-50 लिखोगे, क्योंकि फिर फैट के लिए पहले लिखोगे। अब मान लेते हैं कि 1600 कैलोरी वाली डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का रेशियो ये था। अब इसी रेशियो में हमें 3000 कैलोरी की डाइट बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? PCF का रेशियो यही रहेगा, 3000 कैलोरी है, 3000 कैलोरी में से प्रोटीन की परसेंटेज कैलोरीज कितनी है, 25% कैलोरीज प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3000 का 25% मतलब 750 कैलोरीज प्रोटीन चाहिए, 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मतलब 3000 का 50% मतलब 1500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट चाहिए और वैसे ही 750 कैलोरीज फैट चाहिए। तो इसी मैक्रो रेशियो पे 3000 कैलोरी की डाइट भी बन सकती है, 1600 कैलोरी की डाइट भी बन सकती है, 2500 कैलोरी की डाइट भी बन सकती है, और हर एक डाइट कितनी भी कैलोरीज की डाइट हो उसमें कोई ना कोई तो मैक्रोज का रेशियो होगा, चाहे 10% प्रोटीन हो या 40% प्रोटीन हो, 20% कार्बोहाइड्रेट हो या 60% फैट, 10% हो या 50%, कुछ ना कुछ तो मैक्रोज का रेशियो होगा ही होगा। तो ये था मैक्रो के रेशियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में।